नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल का संवेदनशील मुलताई क्षेत्र थाना प्रभारी और एसडीओपी विहीन। मुलताई जैसे संवेदनशील क्षेत्र में वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि मुलताई थाना प्रभारी और एसडीओपी विहीन नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीओपी सुरेश पाल सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद अभी तक उक्त पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इधर विगत दिनों थाना प्रभारी राजेश सातनकर का स्थानांतरण होने के बाद इस पद पर भी कोई पदस्थ नहीं किया गया है, जिसमें प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में बिना अधिकारियों के यदि कोई बड़ी घटना होती है तो यह लापरवाही प्रशासन पर भारी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को एसडीओपी सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वहीं 16 जुलाई को पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में फेरबदल करते हुए मुलताई थाना प्रभारी सातनकर का स्थानांतरण बैतूलगंज चौकी में कर दिया गया था, जिसके बाद रविकांत डेहरिया को मुलताई थाने की कमान सौंपी गई है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा मुलताई थाने में आमद नहीं दी गई है। वहीं एसडीओपी का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है। इधर नगर में सुरक्षा व्यवस्था को 2 प्रमुख पद रिक्त होने के बावजूद जनप्रतिनिधि खामोश है। गौरतलब है कि मुलताई संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पूर्व में कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें गोलीकांड से लेकर थाने पर पथराव शामिल है। इसके प्रभातपट्टन क्षेत्र भी महाराष्ट्र सीमा से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है। थाना प्रभारी और एसडीओपी के पद रिक्त रहने से वर्तमान में अवैध कृत्य और असामाजिक तत्व सक्रिय नजर आ रहे हैं। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।